नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक ऐसा विषय जो बहुत जरूरी है, जो राजनीतिक नहीं है लेकिन उसमें राजनीति होती है। राजनीति हमारे हर चीज में होती है, राजनीति के बिना कोई चीज नहीं। लेकिन इस समय चूंकि चुनाव हो रहे हैं, खासकर बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो खबरों की धारा उधर है, तो इस ओर ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मीडिया के एक हिस्से में तो ये खबरें आई हैं और चिंता सब जगह इसको लेके व्याप्त हुई है, क्योंकि ऐसा फिर से हुआ कि देश में जो मरीज हम रिकॉर्ड करते हैं कोरोना के, खासकर उस मामले में 1 लाख का आंकड़ा हमने फिर से छू लिया। ये जब पिछला दौर था, जब इसको लेके बड़ी आपाधापी थी दुनिया में, भारत में भी लॉकडाउन हुए थे, लॉकडाउन के बहुत सारे उसके असर समाज पे पड़े थे, उस पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, कोरोना सबसे गंभीर विषय था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको आप कह सकते हैं कि लापरवाही बरतना शुरू की। पहले तो हमने आर्थिक कारणों से की, लेकिन बाद में वो सामाजिक कारणों से भी हुई और फिर वो सब तालमेल हो गया। अब उसका प्रतिफल भोगने का वक्त है और देश में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना ने फिर से बड़ी खतरनाक दस्तक दे दी है। मैं ही अपने जान पहचान के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग कोरोना प्रभावित हुए हैं। एक मेरे एक निजी मित्र जिनसे मैं, बल्कि क्वारंटाइन पीरियड आप कह सकते हैं, उसी दौरान मिला था, वो इस समय लखनऊ में PGI में है। तो मैं भी अपने को एक तरह से क्वारंटाइन करके चल रहा हूँ कि उस खतरे को, आदमी को सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हुआ कि ये सब जो हो रहा है, इस सारी लापरवाही पर जो सामाजिक तौर पर हुई, राजनीतिक तौर पर हुई, प्रशासनिक तौर पर हुई, और हमने फिर से आफत बुला ली है, इस सब पर बात करें तो राजू शर्मा जी हमारे लिए उपलब्ध थे। आप जानते ही हैं कि पहले कई कार्यक्रमों में हम बता चुके हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग से भी लंबे समय तक जुड़े रहे उत्तर प्रदेश में, और उसका उन्होंने नेतृत्व किया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो बहुत सारी चीजें बहुत बारीकी से जानते हैं और वैसे भी बहुत सारी बातों पर, सामाजिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, राजनीति पर हम आप उनकी बातचीत से लाभान्वित होते रहे हैं। तो राजू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बिना इसके अतिरिक्त भूमिका के सीधे शुरू करते हैं। ये जी, क्या हुआ कि हम फिर से एक बार इस कोरोना के ट्रैप में आ फंसे? जी, कोरोना की बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि हो सकता है 8-10 महीने हो गए हों हमने कम से कम कोरोना के परिपेक्ष में कई चीजों पर चर्चा की थी। लॉकडाउन उनमें से प्रमुख था जी, और जो साल भर लगभग बीत गया है जी, उससे ज्यादा, बल्कि विश्व के परिपेक्ष में, और जो एक चीज समझ में आती है, हमने सीखी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इस विषय पर पढ़ता रहता हूं, क्योंकि साइंस पढ़ी है, तो एपिडेमियोलॉजी और इन चीजों का, ये कैसे फैलते हैं संक्रमण की है, तो समझ में आती है। लेकिन कुल मिलाकर जो चीज सबसे ज्यादा एक कैवियट के रूप में कहनी चाहिए शुरू में ही, कि कोरोना के बारे में जो सबसे मौजूद और महत्वपूर्ण जानकारी है वो तो ये है कि कोरोना के बारे में हम लोग या दुनिया या विशेषज्ञ बहुत कम जानते हैं। इतना तो सीख लिया है, हर एक साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी कम से कम संक्रमण के एक क्षेत्र में तो वो लगातार नए दाव पिच लेके उपस्थित हो जाता है, और विशेष रूप से जब एक अध्ययन, एक तो आप कोरोना का अध्ययन कर रहे हैं जिससे वैक्सीनें आई हैं, दूसरा है कि कोरोना जब का संक्रमण की भारत का ही संदर्भ लें तो 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी और अनगिनत कोरोना के वायरस, अब इनका इंटरैक्शन या इनका आपसी संबंध फैलने की प्रक्रिया में, उस वो
मैथमेटिकली और हर सूरत से इतना जटिल और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि चीज़ें समझ में तो थोड़ी बहुत तो आती हैं, क्योंकि मॉडलिंग इसकी होती है, इस तरह के एपिडेमियोलॉजी कोई पहली मतलब हमेशा से स्टडी की जाती रही है, लेकिन तब भी लगातार जब जैसे ही महसूस होता है कि कुछ राहत हुई तो दोबारा से कोई एक नई चीज उभर के आ जाती है। एक चीज तो जो जाहिर होनी चाहिए थी लोगों को, एक शीतल जी, साइकोलॉजिकली या मनोविज्ञान के स्तर पर भी आप इसे देखें तो देखेंगे कि इसकी जो वेव्स आ रही हैं वो इस तरह से आती हैं जैसे वेव्स इंसान की चौकन्ने होने और ना होने के बीच झूलती रहती है, एक वृहद स्तर पर, एक समाज के स्तर पर कि आप कितने चौकन्ने हैं। चूंकि आप देख रहे होंगे कि आज की तारीख में एक साल से ज्यादा पहले का आंकड़ा रोज की जो गिनती है उसके हिसाब से आज करीब उसको पार कर चुका है, और उसको एक साल सितंबर में ये हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि डेढ़ साल के आसपास हो रहा है। लेकिन जितनी घबराहट या जितनी चिंता या जितना खौफ कोरोना का तब सितंबर में था, आज उससे कहीं कम है। ये एक अच्छी बात भी है, ये एक प्रगति या प्रोग्रेस दर्शाता है, बट साथ में ये भी दर्शाता है कि वायरस को कम आंकने की समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, इंडिविजुअल के स्तर पर एक प्रक्रिया, डायनामिक प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। तो मोटे रूप में तो एक किस्म का ये कहना या ये चर्चा शुरू हो गई, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे ही संख्या गिरने लगती है, कंट्रोल में आने लगता है, एक महीने पहले ही हम लोग 5,000 से 10,000 के बीच के आंकड़े पर आ गए थे। दिल्ली का संदर्भ लें तो 100 से कम के रोज गिनती के केसेस थे, और एकदम से उसमें एक्सपोनेंशियल से भी बड़ा राइज हुआ। तो तब जब वो अच्छा हो जाता है तो सरकार की एक तरीका होता है, नेचुरल भी है, कि वो अपने गिनाने लगती है कि हमने हमारे ये कदम, और लॉकडाउन से शुरू करती है, हमारे ये सारे कदम जो है बड़े सार्थक सिद्ध हुए और चीजें अब नियंत्रण में है। और जैसे ही वो दोबारा से ग्राफ बढ़ना शुरू होता है तो फिर एक भूमिका बनने लगती है कि वैसे तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जनता ने भूल चूक जबरदस्त तरीके से करना शुरू किया। ये जो चाहे पहले ही 10,000 की संख्या आ गई थी और 5,000 की भी संख्या आ गई थी, लेकिन हमारे यहाँ जैसे धार्मिक समारोहों में छूट है, घोषित या अघोषित चुनाव जब होते हैं तो उसमें रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी, और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, चुनाव में तो इस तरह की जनभागीदारी होती ही है कि किसी भी प्रोटोकॉल, किसी भी लेवल के प्रोटोकॉल का पालन होना असंभव है, और हम उसकी बाकायदा इजाजत देते हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता कि आप किसी क्षेत्र में इसी देश के तो लॉकडाउन तक पहुंच जाएं, और किसी क्षेत्र में आप लाखों लोगों की, हजारों लोगों की रैली कर रहे हो, हाथ से मिले उनसे, गले मिल रहे हो, उनको प्रचार कर रहे हो, हाथ से छू रहे हो, सब कुछ कॉमन जैसे नेचुरल होता है वैसा कर रहे हो, बाजार आपने खोल दिए हो और सब जगह भीड़ हो रही हो, और सिर्फ आप एक टीवी या उस पर एक नारा चला रहे हो कि साहब आप मुंह पे मास्क लगाइए बस, और उसके लिए भी कभी आप एकदम से डंडे से पीटने लगे लोगों को और लोगों का मतलब सामान्य जीवन में असामान्य स्थिति पैदा कर दें, और कभी आप एकदम बिल्कुल खुली छूट दे दें कि चाहे वो जो चाहे सो करें। ये जो घालमेल है जिसके लिए निश्चित तौर पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जिम्मेदार हैं, तो ये जिम्मेदारी तो कहीं जाके किसी पे टिकेगी, वो किस पे टिकेगी? जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिक्र आप कर रहे हैं, इसको हम कई भागों में या कम से कम दो प्रमुख भागों में ले सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब गिरावट का दौर चलता है तो उस गिरावट के भीतर ही जो अब तक समझ में आया है अंश
बढ़ोतरी के या एक नई वेव के पैदा होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो सबसे नीचे के स्तर पे आती है वो धीरे धीरे पनपने या पकने शुरू होते हैं। और ये आप सरकार को या जो भी विशेषज्ञ है उनको देख लेना चाहिए था, देखा भी शायद उन्होंने होगा, कि तब जब यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल पे कंट्रोल कम से कम गिनती के लेवल पर आ गया था, तभी हमने देखा था कि यूरोप में, यूएस में और दूसरे देशों में एक अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, और नए वायरस की किस्मों के जिनके नाम भी पड़े, वेरिएंट्स, अफ्रीकन वेरिएंट, यूके वेरिएंट वगैरह वहां पे दिखने लगे। वैक्सीनेशन तब चालू ही हुआ था, फिर वो एक्सपेक्टेड था कि हिंदुस्तान में भी ये वेरिएंट आएंगे ही, और हिंदुस्तान में और नए वेरिएंट्स भी होंगे, जैसा कि अभी महाराष्ट्र के लिए कहा जाता है, वहां एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी, और उसका प्रभाव नीति पर या रणनीति पर होना चाहिए था तब जनवरी के महीने से ही, कि ये जो इस समय जो कंट्रोल नियंत्रण की स्थिति दिख रही है, इसमें ये वेव के बढ़ने का अंदेशा है। ये बात सही है कि लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन या अर्थव्यवस्था पे दोबारा से मार सहने की स्थिति में हम नहीं है, लेकिन उसमें भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप संकुचित चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। अब क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, लोग बैठे हैं, मौज हो रही है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। थिएटर में कहने को 50% कैपेसिटी और इस तरह की बात होती है, लेकिन वो कहाँ तक निभाया जा रहा था, ये प्रश्न सूचक है। फिर लॉबियां हैं, इंडस्ट्री की लॉबियां है, सिनेमा की लॉबी है, जैसे तमिलनाडु में हाल में ही उन्होंने कुछ नियंत्रण के आदेश वगैरह दिए फिल्मों की को देखने में, और तुरंत फिल्मों की लॉबी या इंडस्ट्री सामने आ गई कि इससे, तो यहाँ पर एक आप एक तरफ की चीज नहीं कर सकते, आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना आती है इलेक्शन चुनाव को लेकर। बीच में हम ये भी उदाहरण दे दें कि कुंभ का मेला उत्तरांचल में हुआ, कुंभ का मेला में सूचना थी बीच में कि कई कई शाही स्नानों में 20 लाख 25 लाख लोग तक उपस्थित थे, और केवल हमको एक भीड़ के एक जमाव के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसमें इतनी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। आप समझें कि अगर किसी दिन एक जगह पर 28 लाख लोग एकत्रित होते हैं, तो 28 लाख लोग मूव भी कर रहे होंगे पिछले 10-20 दिनों में, एक मूवमेंट की, एक गति की, एक पूरा, अगर आप किसी प्लेन से या ऊपर से एयरक्राफ्ट से आप देखेंगे तो आपको एक चलायमान डायनेमिक चीज दिखने को मिलेगी। हमारे यहाँ 5 स्टेट में इलेक्शन घोषित हुए, और घोषित होने पहले से ही सरगर्मी शुरू हो जाती है, तो आप समझ लीजिए 2-3 महीने से ये काम चल रहा है। ये चारों तरफ हिंदुस्तान के फैले हुए प्रदेश है, एक ईस्ट में है, साउथ में आपके तमिलनाडु, केरल हो गए, 2 ईस्ट में हो गए, और पांचवा कहाँ का है, वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी एक साथ लगे। हाँ, तो साउथ और ईस्ट दोनों में हो गए। अब चुनाव में आपसे बेहतर कौन जानता है, और शासन के जो सत्ताधारी है उनसे बेहतर कौन जानता है, कि पॉलिटिकल चुनाव कराने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मूव करते हैं। केवल ऐसा ही नहीं कि आप रैली दिखा देंगे, इस रैली में इतने लोग थे, या रोड शो था, इसकी एक तैयारी की प्रक्रिया रहती है। कार्यकर्ता, राजनीति का कार्यकर्ता, हर प्रमुख पार्टी का, विशेष रूप से सत्ता की पार्टी का, वो पूरे देश से, जनपद जनपदों से मूव कर रहा होगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, लगातार जा रहा है।
तो इससे कितनी सघन मूवमेंट लोगों की हुई है पिछले 2-3 महीनों से लगातार, और कोरोना या इस तरह की वेव्स के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि इफेक्ट जो है वो कुछ लैग के बाद आता है, चीजें गुनना बुनना शुरू होती है, एक प्रोसेस शुरू होता है, वो अंदर ही अंदर संक्रमण बढ़ता रहता है और फिर एक दिन विस्फोट की स्थिति आती है जब वो प्रकट होकर एक तरह से फटता है या फूटता है। तो वही हम इस समय देख रहे हैं और वो एक स्टैंडर्ड भी सेट इलेक्शन से जो एक ह्यूज मूवमेंट जनरेट हुई वो उसमें और करूं कि आप तो इसको लगातार वॉच कर रहे हैं, हम लोग बात भी करते हैं इस पर, दुनिया की तस्वीर को इस साल आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि फिर से कोरोना सब जगह आया है। अमेरिका में काफी कठिन हालात हैं, ब्राजील में तो बर्बादी ही बर्बादी है और यूरोप में बहुत सारे देशों में फिर से उन्हें लॉकडाउन करने पड़े, बहुत सारे दूसरे फैसले लेने पड़े, वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, सारे काम रोक के सबसे पहले इसको लिया जा रहा है। चीन के अलावा बाकी सारे देशों से जो खबरें हैं, थोड़ा सा इधर आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व के जितने भी देश हैं उनमें थोड़ी कम इसकी संख्या है तुलनात्मक रूप में, कोरिया जापान में काफ़ी कंट्रोल है, ताइवान में कंट्रोल है, लेकिन वेस्ट में तो बिल्कुल, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में तो काफ़ी हलचल है इसको लेकर। तो जो आने वाला समय है, एक साल और आप सोचें, अगर हम मोटा मोटी एक साल ही बात करें, तो ये साल आप कैसे देखते हैं कि दुनिया इसके साथ कैसे कोप करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और चूंकि भविष्य सूचक है तो सब में सबका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। उससे पहले मैं दो बातें संक्षेप में कह दूं। पहली चीज तो जो गिनती हम कोरोना की करते हैं उसको, वो गिनती एक तरह से अनुमान है, एक संकेत है, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि एक्चुअल कोरोना इन्फेक्टेड लोग करीब 10 गुना 20 गुना उससे ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे सर्वे वगैरह पूरी दुनिया में भारत में भी दिखाते हैं। लेकिन वो आपको ग्राफ सही दिखा देते हैं। दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन की है कि वैक्सीन कई आई हैं हिंदुस्तान में, 2 वैक्सीन अप्रूव हुई है अभी तक, होपफुली हम आशा कर सकते हैं कि सरकार 2 से ज़्यादा कम से कम 5-6 वैक्सीन लेकर आएगी। और वैक्सीन में एक बहुत अंतर है अलग अलग देशों का और अलग अलग क्षेत्रों का, तो वैक्सीन की एक पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। वैक्सीनेशन जहां जल्दी होगा वो कंट्री या वो देश फायदे में रहेगा। इसराइल इस मामले में काफी आगे है, उसने करीब 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अपनी, संख्या बहुत कम है, आबादी बहुत कम। हाँ नहीं, लेकिन छोटे देश यूरोप में भी है, लेकिन इसराइल उससे आगे निकल गया है, कहीं आगे, और इसराइल में दिख रहा है कि अब इस समय काफी कंट्रोल की स्थिति वहां बन रही है। यूएस के पास वैक्सीन की कमी नहीं है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 10-15% के बीच उन्होंने आबादी कवर कर ली है और वो काफी तेजी से और जल्दी ही वो क्रिटिकल 25-30% की संख्या जब पार कर लेंगे तो कंट्रोल उनका एस्टेब्लिश हो जाएगा। यूरोप में ये स्थिति नहीं है, यूरोप स्लो है और यूरोप चूंकि बार बार प्रकोप में भी आ रहा है तो थोड़ा ढीला चल रहा है। हिंदुस्तान में आप देखें तो हमारे यहाँ आबादी इतनी है कि संख्या जितनी भी हो अभी प्रतिशत के स्तर पर हम काफी नीचे हैं, 5% भी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे जी। तो ये वास्तविकता है, तो इसको इसमें लगभग 3-5 गुना बढ़ोतरी की आवश्यकता है और ये हमारे देश का एक अच्छा सौभाग्य आप कह लो या देन कह लो कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है बनिस्पत पश्चिम के या विकसित देशों के, वो जिन भी कारण है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है कि क्या कारण है, लेकिन कम है, वो रेट कम है, तो वो एक मानवीय स्तर पर एक बहुत अच्छी बात है। आपने जो बात कही कि भविष्य किस तरह से दिख रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट तो अब कर ही लें कि ये वेव्स जो हैं वो जब तक वैक्सीनेशन का कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा इस एपिडेमियोलॉजी के प्रोसेस पर,
यूं नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध में पल्ला किसका भारी है वो वैक्सीनेशन से ही समाज का या इंसान का भारी होगा। ये वैक्सीन को लेके एक जो भ्रम है कम से कम भारत में हुआ है कि जिनको वैक्सीन लग भी जाती है, दोनों राउंड लग जाती है, उसके बावजूद उनको कोरोना हो जाता है। तो लोगों को एक शंका एक हिस्से में है, उसकी गैर जानकारी भी उसकी वजह हो सकती है कि क्या वैक्सीन प्रभावी हो सकेगी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि अगर 25% आबादी को लग जाती है वैक्सीन, तो फिर एपिडेमोलॉजी के अनुसार उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा उसके असर में। तो वो किस आधार पे आप उसको इस तर्क को लाए हैं, तो पुराने अध्ययनों के आधार पर या आपको जो अभी करंट इस मामले में जो सूचनाएं दुनिया से आ रही हैं उसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे। और ये जो चीज है, जरा सा हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए कि वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना जब हो जाता है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं आप। वैक्सीन का साइंस भी, या ये देखिए कुछ चीजें हमें पता है कुछ चीजें नहीं पता। कई वैक्सीन आ गई, लोग पढ़ते होंगे या सुनते होंगे टीवी पे कि परसेंटेज एक मेंशन होती है कि कितनी प्रभावी है, 80% प्रभावी है, 78% प्रभावी है, दो वैक्सीन ऐसी है जो 90% प्रभावी है। तो वो बड़ी स्टडीज के आधार पर ये तय हुआ, लेकिन कुल मिलाकर इफेक्ट के तौर पर अगर इसको हम देखें, एक व्यक्ति जब देखता है आकलन करता है, तो अधिकांश वैक्सीन दो डोज में है। पहली डोज लगने के बाद भी आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, और दूसरी डोज दो दो तीन महीने बाद आती है, जिस भी इस अंतराल के बाद आती है वो उस प्रोसेस को एक्सटेंड करती है और सपोर्ट करती है। वैक्सीन ये करती है कि अगर वो कहते हैं कि भाई 70% इफेक्टिव है, इसका मतलब 70% प्रोटेक्शन वो दे रही है। किस तरह से दे रही है? वो वैक्सीन से का अर्थ ये नहीं है कि आप पहली डोज लगाने के बाद या कुछ मामलों में दूसरी डोज लगाने के बाद भी अगर कोरोना का आपके ऊपर कोरोना आप का वायरस आपके भीतर प्रवेश कर सकता है, उसको अंदर तो वो आ जाएगा, कोरोना आपको हो भी जाएगा, एक आप पॉजिटिव भी हो जाओगे कि अगर वायरस आपके भीतर आ गया। वैक्सीन ये इंश्योर करती है कि उसके प्रति जो इंसान लड़ता है एंटीबॉडीज के माध्यम से, उस प्रोसेस को वो स्थगित करती है और सघन करती है। तो हम वैक्सीन का फायदा ये है कि अगर कोरोना पॉजिटिव आप हो भी जाते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, तो अपेक्षा ये है कि बनिस्पत एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन के आपको मोर और लेस सीरियस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम है। आप थोड़ा बहुत आपको बुखार आ सकता है, या हमारे मित्र हैं कई जिन्होंने पहला डोज लगवाया है उसके बाद भी वो हुए, एक रात बुखार आया, दो रात बुखार आया, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए। तो वो आपको एक असिस्टेंस, एक बहुत इम्पोर्टेंट असिस्टेंस दे रही है जो अन्य लोगों को नेचुरली भी मिलती है, बिकॉज काफी लोग हैं जो पॉजिटिव होते हैं जिनको कुछ खास असर नहीं होता। वैक्सीनेशन से उन लोगों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो जब 25% लोग अधिक प्रोटेक्टेड होंगे, 70% या 80% अधिक प्रोटेक्टेड होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को कोरोना नहीं दे सकते। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो, आपको किसी से कोरोना मिल जाता है, तो आप दूसरे को प्रदत्त करने के लिए उतने ही सक्षम है। तो वैक्सीन के बाद आप वो व्यवहार मास्क पहनने का और दूरी रखने का छोड़ नहीं सकते। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज, अभी तक ये क्लियर नहीं है, ये धीरे धीरे होगा क्योंकि वैक्सीन लगने की प्रक्रियाएं अभी चली रही है, कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अनंत नहीं होती। ये नहीं एक बार वैक्सीन लगा ली तो जीवन भर के लिए आप प्रोटेक्ट हो गए, ऐसा नहीं। वो 3 महीने भी हो सकती है, वो 6 महीने भी हो सकती है। फ्लू की वैक्सीन जैसे लोग हर साल लगवाते हैं, म्यूटेंट के साथ उसका बदलाव होता रहता है, ऐसा ही अमूमन कालांतर में कोरोना के साथ होगा कि वैक्सीन एक लगातार की सालाना किस्म की प्रक्रिया बन जाएगी। हिंदुस्तान की कोवैक्सीन ने भी अभी एक मंजूरी सरकार से ली है, कोई तीसरे बूस्टर की बात कर रही है कि 2 के बाद वो एक तीसरा बूस्टर भी दे। तो आप मोटा मोटा ये लोग कह रहे हैं कि भाई 3 महीने की इम्यूनिटी रहती है, फिर बूस्टर से 3 की और हो जाती है,
वो 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अभी आगे वो हिसाब से जो भारत को 2-3-4 काम तुरंत इस समय करने चाहिए इस पूरे मामले में कोरोना से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप क्या समझते हैं कि ये काम तो बिल्कुल तुरंत इस लेवल पे या इस स्तर के करने ही चाहिए, क्या है? देखिए, जो पहली चीज तो ये करना नितांत आवश्यक है कि वैक्सीन की संख्या बढ़नी चाहिए, नई वैक्सीन को तुरंत जितना जल्दी संभव हो, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ अप्रूवल उनका होना चाहिए, और जॉनसन की वैक्सीन है, कोई और वैक्सीन है, मतलब अगले एक महीने 2 महीने के अंदर, ताकि उपलब्धता वैक्सीन की स्थिति बेहतर हो। नंबर 2, मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन में जो भी चीजें अवरोध पैदा कर रही हैं उसकी संख्या के न बढ़ने में, जैसे पहले कि आपने बहुत सीमित कर दिया था उसको 60 साल के ऊपर, आप 45 पे आए, इसमें और उदारता की आवश्यकता है, और प्रयास ये होना चाहिए कि जो संख्या 50 लाख लोग आप वैक्सीन आप रोज देने की क्षमता, आप मतलब कम से कम जुलाई तक 20-25 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाए, इसका एक पूरा टारगेट लेके इसको अचीव करना बेहद जरूरी है। ये तो पहली चीज है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, वो पुरानी पद्धति तरीका जो कोविड के या किसी भी वायरस के प्रकोप में जरूरी होता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का और आइसोलेशन का और ट्रीटमेंट का, कि जहां भी डिटेक्ट हो जिस भी एरिया में, आप जरूर उसको एक तो चिन्हित कर लें, दूसरा उसको अगर आपने कंटेनमेंट जोन या जो भी कुछ कहा उसमें आप आवाजाही पे इतनी रोक शायद ना लगाएं, लेकिन कम से कम उन लोगों की एक सर्विलेंस जरूरी है कि वो ज्यादा निकले नहीं या उन संपर्क दूसरी चीजों से, मतलब आइसोलेट करने की पॉजिटिव है, उस चीज को दोबारा से स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो जिसके प्रति संवेदना होनी चाहिए कि कोविड अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में, दूसरे प्रदेशों में भी कई जगह बड़ी तेजी से फैल रहा है, महाराष्ट्र में तो था ही, तो हमारी पॉलिसीज जो है वो महाराष्ट्र का जो पूरा एक्सपीरियंस या अनुभव है वो महाराष्ट्र के साथ मिलकर उसको आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि ठीक है महाराष्ट्र ज्यादा अर्बनाइज्ड है या ज्यादा, लेकिन इतना फर्क भी नहीं है महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों के बड़े शहरों में, कि महाराष्ट्र में जो स्थिति निकल के आ रही है वो दूसरे प्रदेशों में ना हो। जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बहुत शहर हैं, मेरठ से आप पूरा वेस्ट यूपी का क्षेत्र ले लें, बिल्कुल, अभी मथुरा में होली हुई, इतना लंबा वहां पर सेलिब्रेशन हुआ, अब वो आगे अगले महीने में या 2 महीने में अपने प्रभाव पैदा जबरदस्त तरीके से कर सकता है, तो इन चीजों को आत्मसात करके इनके प्रति पहले से सजग होने की बेहद जरूरत है। और आखिरी चीज की ये जो कथनी और करनी में फर्क, विशेष रूप से सत्ता पक्षों का, जो कि सबसे ज्यादा नजर आता है इलेक्शन के प्रति रवैये को देखकर, कि वो खुद उनका व्यवहार कैसा है भीड़ के प्रति या लोगों के इकट्ठे होने के प्रति, इसमें किसी किस्म की बदलाव की और कथनी करनी में कम से कम कमी करने की, और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं उसकी बेहद जरूरत है, कि क्योंकि वो मैसेज जनता को अनुशासन मेंटेन करने का सबसे ज्यादा इस मैसेजिंग से जाता है कि जो ज्यादा ताकतवर है उसका व्यवहार किस तरह का है। तो आज इस कार्यक्रम को समेटेंगे, समय हो गया है, राजू शर्मा जी को फिर एक बार धन्यवाद देंगे हमारे कार्यक्रमों में आते रहने का, और हमारे दर्शकों पाठकों को उन सूचनाओं से लाभान्वित कराने का जो समाज के लिए बहुत आवश्यक है, बिना किसी कड़वाहट के जाते हुए, चूंकि ये एक ऐसी चीज है जो पूरी मानवता के सामने चुनौती के तौर पर है, और हमने इस कार्यक्रम में यही बात रखी कि जो जैसा है पहले उस पर बात हो जाए,
और जो हो सके उस पे भी बात हो जाए। वो दोनों बातें आपके सामने हुई और उम्मीद है कि आखिरी बात कहना चाह रहे हैं राजू भाई जी। हाँ शीतल जी, कुल मिला के ये कहें कि जितनी उतावलेपन से या जितने मनोयोग से हम 2 मई के इलेक्शन के नतीजों और आंकड़ों का इंतजार करेंगे, उतनी ही उतावली और मनोयोग से हमको ये आंकड़े जो कोविड के हैं इनके प्रति भी सजग रहने की सब स्तरों पर, विशेष रूप से सत्ता के या अधिकार जिनके पास होता है उस वर्ग के सभी लोगों को बराबर से तरजीह देने की जरूरत। इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को अभी समेटेंगे, फिर ऐसे ही किसी विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।